तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग यार। एजुकेशनल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यार, सबसे पहले आज सुबह 9 बजे से जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है #cancelyuniversityexams, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ताकि हमारी आवाज, आपकी आवाज यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार तक पहुंचे। दोस्तों, तो आज की वीडियो जो होने वाली है दोस्तों, वो खास होने वाली है UGC की जो गाइडलाइन लास्ट ईयर आई थी एग्जामिनेशन को लेके, प्रमोशन को लेके, उसके बारे में आज जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा देना ताकि आप लोग को हमारी आने वाली वीडियो की जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहे। तो चलो गाइज, बिना देर के हम आज की इस वीडियो को शुरू करो। गाइज यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल भी UGC ने गाइडलाइन निकाली थी प्रमोशन को लेकर, और UGC की उस गाइडलाइन में था कि यूनिवर्सिटी अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकती है और नंबर कैसे देना है ये यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड कर सकती है। अब देखिए, इस सिलसिले में क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग माध्यम से, मीन्स अलग अलग अल्टरनेटिव्स के सहारे अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कौन सा सिस्टम अपनाया था यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया था और उनके सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ फर्स्ट ईयर का उस पर लिखा था प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया था फर्स्ट ईयर के आधार पर। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में जो है, उन्होंने क्या किया, 12th के बेसिस पे फर्स्ट ईयर को मार्क्स दे दिए और सेकेंड ईयर के बच्चों को 10% इंक्रीमेंट के साथ थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया। कोटा यूनिवर्सिटी और सिखावटी यूनिवर्सिटी ने भी सेम ऐसा ही किया, अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया फर्स्ट ईयर को प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास लिख के, और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया कुछ नंबर इंक्रीमेंट करके। अब देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग सिस्टम से अपने बच्चों को प्रमोट किया, तो इससे सब बच्चे जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके लिए आ चुकी हैं दिक्कतें। अब देखिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं दी UGC ने, इसके बारे में क्या डिटेल में निकला है आप लोग को मैं पढ़ के बता देता हूँ। यह समस्या पूरे देश में होने वाली है। दरअसल UGC ने रिजल्ट तैयार करने के संबंध में यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूनिफॉर्म गाइडलाइन ही जारी नहीं की थी। यूनिफॉर्म गाइडलाइन का मतलब है कि यूनिवर्सिटी, जैसे कि CBSE बोर्ड ने इस बार 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई है कि इस मानक के आधार पर, इस मानक के अनुसार ही सब बच्चों को नंबर दिया जाएगा। तो ये एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन है CBSE बोर्ड के, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं वो सेम गाइडलाइन के जैसे पास होंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही यूनिफॉर्म गाइडलाइन अगर UGC यूनिवर्सिटीज़ को भी दे देती तो इस समय बच्चों को समस्या नहीं आती, और इस समय जो प्रमोशन अगर हम सेकेंड ईयर की या फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट करते हैं तो उनको आगे चल के दिक्कतें आएंगी। ऐसा देखिए इसमें लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग असेसमेंट के कारण अलग अलग विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स फ़ायदे व नुकसान में रहेंगे। फ़ायदे व नुकसान में रहेंगे दोस्तों, इसका मतलब कि कोई बच्चा ज़्यादा परसेंट पाएगा फर्स्ट ईयर में, बच्चा सेकेंड ईयर में अगर उसके अच्छे मार्क्स होंगे तो उसको फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर मिलेगा, और इसी के आधार पर अगर वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाता है तो केवल वो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के कारण उस अच्छे नंबर लेते जाएगा दोस्तों। और वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट लेके सेकेंड ईयर में पहुँचे और सेकेंड ईयर में भी अगर प्रमोट हो जाते हैं तो उनके जो परसेंटेज है, उनकी जो डिग्री है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जैसा कि जानना है ट्विटर पे अभियान चल रहा है, आप लोग प्रमोशन को लेके अपनी आवाज़ उठाइए। इस बार अधिक चांसेस लग रहा है, पूरे चांसेस लग रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों का प्रमोट होने का और सेकेंड ईयर के बच्चों का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 70-30 का रेशियो चल रहा है सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट होने का, और थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। अब देखिए, UGC का यहाँ पे क्या बनता है, UGC का यहाँ पे क्या कर्तव्य है। UGC को इस बार, जैसा कि CBSE बोर्ड ने और भी अदर स्टेट बोर्ड ने जिस प्रकार एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू अपने स्टूडेंट को पास करने का गाइडलाइन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग, मीन्स उसी मानक को ध्यान में रखते हुए UGC को भी एक गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी, एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ को मानना पड़ेगा अगर प्रमोशन होता है तो। तो कोई भी न्यूज़ अगर आप लोग को मिलेगी, ये जो न्यूज़पेपर आई है, ये जो न्यूज़पेपर आज की दैनिक भास्कर में है, इसकी पूरी डिटेल आप लोग को अगर ये सारा पढ़ना होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जुड़िए और इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या न्यूज़पेपर में आई है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको सेंड कर दूंगा। तो कोई भी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स होगी दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ हम आप तक हर वीडियो में पहुँचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे ना तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।